मेरे प्यारे दोस्तों, आज बताने जा रहे हैं मेल टेस्टिस के बारे में। जो नए छात्र छात्रा, जो नए स्टूडेंट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक, कमेंट और शेयर करें, क्योंकि हम एक नए से नए चैप्टर लाते हैं। आज बताने जा रहे हैं मेल टेस्टिस के बारे में, यानी पुरुष विडिशन क्या है या पुरुष अंडकोश क्या है, और उससे संबंधित जैसे ये अंडकोश हुआ, इसमें भेस, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनिस और किडनी क्या है, और इसमें जो बनने वाले स्पर्म जिसको शुक्राणु बोलते हैं, इसी के बारे में हम बताने जा रहे हैं डिटेल से। आप लोग ध्यान से देखें और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो टेस्टिस क्या होता है? टेस्टिस पुरुष में जो है एक अंडकोश होता है जो शरीर के बाहर लटका हुआ भाग है, उसी को कहते हैं टेस्टिस, उसको बोलते हैं विडिशन, अंडकोश भी बोलते हैं। तो आखिर सोचते होंगे कि ये शरीर के बाहर क्यों लटका दिया जाता है? हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? शरीर का तापमान 37°C रहता है, और जबकि ये उस टेस्टिस का जो है टेम्परेचर होता है 26°C से 30°C रहता है, और उस क्योंकि टेस्टिस के अंदर विडिशन बनता है। टेस्टिस के अंदर क्या बनता है? विडिशन, जिसको शुक्राणु बोलते हैं। शुक्राणु जो होता है और या टेस्टिस जो है, उसका टेम्परेचर 26 से 30°C रहता है, और उसके अंदर जो शुक्राणु बनता है, स्पर्म बनता है, वो 20 मिनट उसका आयु रहता है। उसका मात्रा 7 मिलीलीटर रहता है, और 7 मिलीलीटर में 20 लाख शुक्राणु होता है, और इसीलिए मान चलो कि इसीलिए इसको बाहर लटका दिया जाता है। इसलिए पैसा होता ना, उसका टेम्परेचर हुआ 37°C, जबकि इसमें जो स्पर्म बनता है शुक्राणु या तो टेस्टिस जो है, इसका टेम्परेचर कितना होता है? 30 डिग्री मैक्सिमम हुआ था, ताकि वह स्पर्म जो है स्पर्म मरे नहीं। ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो स्पर्म क्या होगा? मर जाएगा, इसीलिए इसको बाहर लटका दिया जाता है। आप मान चलो ये क्या है, ये टेस्टिस है, ये मान चलो टेस्टिस है, ये दोनों भेस हुआ, अगर इसको काट दे जिसको नस कहते हैं, नस को बंद कर दें, इसको बंद कर दें, इसमें स्पर्म बनेगा, सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनेगा, लेकिन ये बाहर नहीं निकलेगा। ये क्या होगा? बाहर नहीं निकलेगा। बन तो रहा, स्पर्म बन रहा, सेक्स हार्मोन बन रहा है, सिर्फ बाहर नहीं निकल रहा है, तो समझ जाओ कि यह प्यार होगा, आकर्षित होगा, लव करेगा, सारा चीज़ करेगा, सेक्सुअल क्रिया में भाग लेगा, सेक्स के प्रति वफादार रहेगा, लेकिन यह स्पर्म बाहर नहीं निकलेगा, सिर्फ इतना ही काम है। इसीलिए क्या कहता है कि इसको भेस को ही बंद कर दिया, जिसको पुरुष नसबंदी बोलते हैं, पुरुष नसबंदी क्या होता है? भेस को क्या किया जाता है? बंद कर दिया जाता है। बंद करने से क्या होगा? स्पर्म बनेगा, टेस्टोस्टेरोन बनेगा, लेकिन वो बाहर नहीं निकलेगा। बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा? फिर स्पर्म रहेगा कहाँ? स्पर्म टेस्टिस के अंदर लाइसोसोम जो रहता है वो क्या करता है? स्पर्म को मार देता है। इसको लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। इसीलिए पुरुष नसबंदी में भेस को बंद कर दिया जाता है। अगर मान चलो कि ये टेस्टिस है, अगर एक को बंद कर दें, एक भेस को बंद कर दें या एक को हटा दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक किडनी को हटा देते हैं तो कोई फर्क पड़ता है? काम तो वही होता है। तो इसी तरह अगर एक टेस्टिस को हटा दें तो वो भी सेक्स करेगा, सेक्सुअल अवस्था में भाग लेगा, प्यार आकर्षित होगा। इसलिए टेस्टिस जो है मानव शरीर का मुख्य जनन अंग है, मुख्य जनन अंग टेस्टिस है। टेस्टोस्टेरोन व सेक्सुअल हार्मोन है। प्यूबर्टी एज, प्यूबर्टी एज समझता है? प्यूबर्टी एज 12 इयर्स में चालू होता है। इसमें टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन बनना शुरू होता है। जब टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन प्यूबर्टी एज में आ जाता है, टेस्टोस्टेरोन सेक्सुअल हार्मोन बनना शुरू हो जाता है, तो उस समय क्या होगा? आवाज़ चेंज हो जाता है, शरीर का चेहरा चेंज हो जाता है, आकार चेंज हो जाता है, आवाज़ चेंज हो जाता है, शरीर का बनावट चेंज हो जाता है। इसी को प्यूबर्टी एज में टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू होता है। उसी टेस्टोस्टेरोन जैसे बनेगा तो वहाँ स्पर्म बनना भी चालू हो जाता है। तो अब मान चलो एक चीज़,
ये क्या है, मान लो ये टेस्टिस है, ये क्या है टेस्टिस, अगर इसको पूरे हटा ही दे शरीर से, इसको हटा दो, तो हटा दिए शरीर से ही हटा दो, तो क्या इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से एक्टिव होगा? नहीं होगा। अस्पन बनेगा? नहीं बनेगा। जब ये इसको पूरे शरीर से हटा दिए, जिसको बोलते हैं आदमी में क्या कहता है कि टेस्टिस को हटा दो, यानी कि कुट्टा उसको बोलते हैं ग्रामीण भाषा में, कुट्टा कर दो, खसी का कुट्टा कर दो। तो अगर हम मान चलो कि टेस्टिस को ही हटा दिए तो नहीं अस्पन बनेगा, टेस्टोस्टेरोन भी एक्टिव नहीं होगा, टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन एक्टिव नहीं होगा, तो वो सेक्स क्रिया में भाग लेगा नहीं, वो सिर्फ क्या होगा देखेगा सुनेगा रहेगा खाएगा पिएगा, लेकिन सेक्स क्रिया में भाग नहीं लेगा और वो बत्तू नहीं बनेगा, बत्तू जैसा काम नहीं करेगा या सांड नहीं बनेगा। तो क्या बन जाएगा उस समय? खस्सी, खस्सी बन जाएगा या बैल बन जाएगा, बैल बनेगा। तो हल जो तो खसी बन जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मांस उसमें एक बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि वह जब स्पर्म नहीं बनेगा तो स्पर्म में ढेर सारा एनर्जी खत्म होता है, जब वो एनर्जी खत्म नहीं होगा तो वह शरीर के अंदर ही सारा भाग रहेगा, इसीलिए वो खसी बन जाता है और मांस ज़्यादा से ज़्यादा उसके शरीर में रहता है। इसलिए आदमी जो है पाठा या बकरी को खसी बनाते हैं इसी के लिए। क्या होता है अब देखो, कभी कभी क्या होता है कि मेंटली डिसऑर्डर हो जाता है, मेंटली डिसऑर्डर हो गया या स्वप्न दोष हो गया तो अस्पन बनना शुरू हो जाता है। अस्पन जैसे बनना शुरू हो जाता है तो वो बाहर निकलने लगेगा, वो शरीर से बाहर निकलने लगेगा, शरीर से बाहर निकल गया, पेशाब साथ बाहर निकलता है, तो समझ लो कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, यहाँ जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये जो है रोक के रखता है। अगर यहाँ से अस्पन में बनना, ये पेनिस होते हुए बाहर निकलता है, यहाँ से पेशाब यूरिन बना, यूरिन ये भी इसी से निकलती है, पेनिस होकर बाहर निकलता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, इसको दरवाज़ा बोलते हैं। ये दरवाज़ा अगर कमज़ोर है तो उसको स्वप्न दोष होगा, या प्रोस्टेट ग्लैंड कमज़ोर होगा तो वो क्या होगा कि स्पर्म बाहर अपने आप निकलेगा। और यही दरवाज़ा जो है कभी जब सेक्स होता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड खुल जाता है, तो इससे स्पर्म बाहर निकलता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है, फिर जब टॉयलेट लगता है तो ये फिर ये दरवाज़ा खुलता है, यूरिन पेनिस से बाहर निकल जाता है, यानी पेनिस से क्या निकलता है स्पर्म भी निकलता है और यूरिन यानी पेशाब भी निकलता है, क्योंकि किडनी से जुटा हुआ है। तो यह एक तरह का बीमारी है, अगर ठीक हो जाता है, डॉक्टर के पास जाओगे तो यह अगर प्रोस्टेट ग्लैंड कमज़ोर हो गया है, जिसको स्वप्न दोष हो जाता है, जो उसको अपने आप स्पर्म निकल जाता है, वो ठीक हो जाता है। जैसे कि सुनेंगे मार्केट में बहुत सारा पोस्टर लगा हुआ था, डॉक्टर वेद हकीम, डॉक्टर गुप्त रोग बाबा, जितने भी होता है या जितने भी गुप्त रोगी प्रचार करता है, सब इसी के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए करता है कि आइए हम आपको प्रोस्टेट ग्लैंड में स्ट्रोंग करेंगे, सेक्सुअल टाइम ज़्यादा देंगे, ज़्यादा इलाज करवा के ज़्यादा से ज़्यादा सेक्सुअल टाइम होगा, सेक्सुअल टाइम कितना होता है 15 मिनट, अगर 15 मिनट से कम होगा तो समझ लोगों की कि तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है, मेंटली डिसऑर्डर में चल जाता है। तो इसलिए स्पर्म में बनने में बहुत सारा एनर्जी खत्म होता है। अगर मान चलो कि बहुत सारा एनर्जी खत्म होगा, स्पर्म में बार बार गिरेगा, बार बार स्वप्न के द्वारा सोने वक्त या पेशाब के द्वारा स्पर्म में गिरेगा, तो शरीर की एनर्जी पूरा लॉस होगा, पूरा गिरेगा, तो क्या होता है शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस अवस्था को मेस्टोबेशन कहते हैं, इस अवस्था को क्या कहते हैं मेस्टोबेशन। क्या होता है कि जब मेल और फीमेल दोनों में होता है मेस्टोबेशन में मेल फीमेल दोनों में होता है, क्या होता है बिना सेक्स का सेक्स फीलिंग करना ही मेस्टोबेशन कहता है, बिना सेक्स का सेक्स फीलिंग करता है। तो पुरुष में ज़्यादा ये मेस्टोबेशन होता है और ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म निकलता है, तो जिसको ज़्यादा मेस्टोबेशन क्रिया हो गया है, या इसको कहते हैं लवहर मेस्टोबेशन हो जाता है, तो उसको लंबा चौड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा, बाद में लंबा चौड़ा खमियाजा, शरीर में गहरा प्रभाव पड़ता है, तो बाद में यह एक तरह से एक बीमारी का रूप ले लेता है। कौन बीमारी का? प्रोस्टेट
इसीलिए जिसको मेंटली डिसऑर्डर है 15 मिनट से कम में ही स्पर्म गिर जाता है, सेक्सुअल टाइम कम हो जाता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर है मानो। इसलिए डॉक्टर पास या वेद हकीम या बाबा वेद हकीम के पास जाकर अपना इलाज करवा लें। जैसे महिला में अगर मान चलो कि दूध नहीं निकलेगा, एक जगह स्टोर होना शुरू हो जाता है, एक जगह स्टोर बच्चे को नहीं पिलाता है, या फैशन के दिखाने के चक्कर में दूध को बाहर नहीं निकलता, बच्चे को नहीं पिलाता, तो उसको स्तन कैंसर हो जाता है। इसी तरह महिला में ज़्यादातर स्तन कैंसर होगा और पुरुष में ज़्यादातर क्या होगा, प्रोस्टेट कैंसर यही होता है मेंटली डिसऑर्डर कारण। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, स्पर्म निकलेगा और प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो जाता है, जिसको दरवाजा कहते हैं। किसका दरवाजा है, यूरिन और स्पर्म का दरवाजा प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसीलिए इसका इलाज जरूरी है। मेल के अंदर अगर सेक्सुअल टाइम 15 मिनट कम होता है तो वो भी मेंटली डिसऑर्डर है, वो भी गुप्त रोगी है, वो भी गुप्त बीमारी है, उसको भी विशेषज्ञ से दिखा के ठीक करा सकते हैं। अगर ओवर सेक्सुअल करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेक्स करने लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म निकलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म निकलेगा तो क्या होता है कि टेस्टिस में घाव हो जाता है, जिसको सिफिलिस या लिकोरिया, सिफिलिस बीमारी कहते हैं या गनोरिया बीमारी भी कहते हैं या लिकोरिया भी कहते हैं, ये सब गुप्त रोग है। ये टेस्टिस के अंदर क्या होता है, घाव हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, सेक्स करने से, ज़्यादा से ज़्यादा सेक्स करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन निकलेगा, सेक्स हार्मोन निकलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म निकलेगा, तो वो क्या होता है कि टेस्टिस के अंदर आपको घाव हो जाएगा, वो भी दर्द धीरे धीरे दर्द करता है, टेस्टिस दर्द करने लगता है, इसलिए उसका भी इलाज है हर जगह। कभी कभी चोट लगने से भी आपका क्या होता है, टेस्टिस फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, पानी भर जाता है, जिसको हाइड्रोसिल कहते हैं, तो इसको भी इलाज करके ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए हम आप लोगों को बता दिए हैं बहुत सारे चीज़ टेस्टिस के बारे में। आप जो नए छात्र छात्राएं हैं इसको ध्यान से देखें और जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़।